肚子孕妇躺在床上接受超音波检查，但她完全没有当妈妈的好心情，因为她是印度的代理孕母，生下来的孩子只是她赚钱养家的工具。डर नहीं लगता है, पर ऐसा लगता है कि अब जल्दी से हो जाए तो अच्छा है。在印度近年来兴起代理孕母的行业，不少人欠钱或是为了要摆脱贫穷，靠租借子宫生 baby 过活，因为价格比起欧美国家便宜，找上门的不孕夫妻也越来越多。在美国找代理孕母价格大约是200到600万元台币起跳，但是在印度大概只要30到60万元，但婴儿工厂的悲歌也让人听了心酸。मैं तो पढ़ी लिखी हूँ नहीं, मेरे मैं छोटी थी तब मेरे को ऐसा लगता मैं पढ़ के ऐसी बनूंगी, तो मेरा सपना पूरा नहीं हुआ, मेरे दादा ने मेरे को पढ़ने ही नहीं दिया। बहुत विरोध किया था, बोले बच्चे की मुझे माया हो जाएगी, 9 महीने में अपने पेट में रखूंगी, तो उसका जो फीलिंग है अंदर से जो ये है वो है।印度早在2002年就允许代理孕母的行业，年产值高达324亿台币。但是近年来，印度也被封为婴儿工厂，因为代理孕母牵扯出不少争议。记者曾一真综合报道。